सर आप कह रहे थे ना कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो लोगों की जुबान पे रहता है, जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। तो आज मैं वही लेके आया हूँ आपको। आ जाइए इधर, आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ये रहा अपना प्रोजेक्ट, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 92 में, एक प्रीमियम लोकेशन पे और प्रीमियम प्रोजेक्ट है सर ये। अगर मैं दिखाऊं आपको एक मॉडल के रूप में तो एक किस तरीके से दिखेगा। आ जाइए सर यहाँ पे, ये अपना मॉडल है सर। 17.5 एकड़ की लैंड के अंदर हम 1200 अपार्टमेंट बना रहे हैं। स्टिल्ट +4 का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। आप देख सकते होगे इसमें किस अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई हैं चीजें, जैसे पार्क, एमिनिटीज, स्विमिंग पूल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ प्रोजेक्ट। और मेन बात रहेगी सर आपकी एंट्री, 24 मीटर के सेक्टर रोड से आपकी एंट्री रहेगी, जो कि एक साइड तो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे मिल जाएगा और मानेसर और पटौदी रोड पे मिल जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट हो गया आपका। और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहोगे कि कोई भी प्रोजेक्ट हो तो कनेक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए, चाहे आपको काम जाना हो, ऑफिस वर्क हो, या कहीं पे भी आना जाना हो। तो NH-8 से आपकी दूरी मात्र 4 किलोमीटर रहेगी, 4 किलोमीटर, जो कि आपका रामपुरा फ्लाईओवर पे मिल जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे 3.5 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा सर, सीधा दादिस्ती चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और पटौदी रोड तो आपका ये रहा, 500 मीटर भी नहीं है। और केएमपी, बात करते हैं केएमपी, जो कि काफी यूज हो रहा है। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल यहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जब हम मानेसर साइड जाते हैं, ये मान के, तो जब हम वेस्ट साइड जाते हैं तो ये आपका केएमपी आता है। अब बात करते हैं हम क्या क्या चीजें लेके आए हैं इस प्रोजेक्ट में। 3 BHK और 2 BHK के इसमें अपार्टमेंट्स हैं। जैसे मैं दिखा दूं कि ज्यादातर 2 BHK के अपार्टमेंट्स इस रो में हैं, 3 BHK के अपार्टमेंट इस रो में हैं, कुछ अपार्टमेंट यहाँ पे भी हैं 3 BHK और 2 BHK के। ये आपका कॉमर्शियल पैच हो गया। ये मान के चलिए आपकी 90% यूजेबल चीजें, कपड़े हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई और खेलने की चीजें भी, वो सभी आपकी यहीं पे पूरी हो जाएंगी। और इसके साथ आता है सर कि क्या क्या है इस सोसाइटी में जो इसको लग्जरी बनाता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि भाई हम घर तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमें मिलेगा क्या, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात बता दूं सिग्नेचर ग्लोबल की सर, सिग्नेचर ग्लोबल को इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है इको फ्रेंडली के लिए, जो कि पर्यावरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। 50% तक ओपन एरिया दे रहा है सिग्नेचर ग्लोबल अपने हर प्रोजेक्ट में। अब बात करते हैं एमिनिटीज की। सबसे पहले डिमांड आती है सर युवा पीढ़ी की कि हमारी सोसाइटी में या हमारे घर के आसपास तो स्विमिंग पूल होना चाहिए। तो स्विमिंग पूल सर हम ले गए हैं आपके लिए, बच्चों के लिए अलग से और यंगस्टर के लिए अलग से। इसके साथ ही आप देख रहे हो एक क्लब हाउस, जिसमें इंडोर्स गेम्स का चलन आजकल बहुत चला हुआ है, जैसे चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जिम हो गई, और कुछ स्पोर्ट्स होते हैं इंडोर्स, वो तो सभी अवेलेबल रहेंगे आपके यहाँ। इस क्लब हाउस की एक और खास बात ये है कि इसके अंदर आपका एक पार्टी हॉल भी रहेगा। अगर कोई आपकी एनिवर्सरी पार्टी या बर्थडे पार्टी है तो 150 से 200 लोगों की गैदरिंग वहां हो सकती है, आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है सर प्राइस को लेके। सभी की यही क्योरी होती है कि सर एक लोकेशन भी अच्छी चाहिए और प्राइस भी ऐसा हो कि हम अफोर्ड कर पाए। तो आपको देखते हुए ही हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अगर मैं बात करूं 2 BHK की, तो आपका 2 BHK मात्र 80 लाख रुपए में रहेगा। नहीं, एक साथ नहीं देने सर आपको, 80 लाख रुपए आपको 2.5 साल में देने हैं। 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी, आपको बर्डन भी नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे 80 लाख रुपए एक साथ देने हैं। और बात करते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर लोन हो जाता तो और भी अच्छा रहता, तो 80% तक आपका लोन भी हो जाएगा, ये गारंटेड हर बैंक से हो जाएगा। और टोटली वाइट रहेगा सर, कोई भी कैश पार्ट नहीं है इसमें। कहीं आप सोचो कि हाँ कैश पार्ट होगा तो कुछ फ्रॉड वगैरह हो सकता है, लेकिन टोटली बिल्डर को पेमेंट जाएगी आपकी बाय चेक या बाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 100% की 100%। अगर मैं 3 BHK की बात करूं तो 93 लाख से आपका 3 BHK स्टार्ट है।
ठीक है सर, अभी आप ये कहोगे कि आप मुझे रो फ्लैट दे रहे हो या क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हो, किस तरह का मटेरियल लगा के दे रहे हो, तो बात करूं सर मैं ए प्लस जो ब्रांड है उनके मटेरियल लगा के दे रहा हूँ, जैसे टाइल्स हो गई, कजारिया टाइल्स हो गए, पेंट की बात करें तो आपका एशियन पेंट्स हो गया, अगर आप बात लिफ्ट की करो तो कोटिस की लिफ्ट हो गई, बिरला ग्रुप की लिफ्ट हो गई, तो ए प्लस ब्रांड की टाइलें, फ्लोर्स या जो भी एक्सेसरीज हैं, डोर हैंडल से लेकर डोर्स तक, लिफ्ट तक, हर चीजें A1 ब्रांड की मिलेंगी आपको। इसके अलावा आपको हर रूम में एसी दे रहे हैं सर, हर रूम में एसी, हाँ जी हर रूम में एसी दे रहे हैं आपको, 5 स्टार एसी दे रहे हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, आप यकीन नहीं करोगे, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बेसमेंट का। आपको याद होगा कोरोना आया था उस टाइम पे लोगों को यही दिक्कत रहती थी कि हाँ भाई घर बैठ के काम करना है, घर बैठ के काम करें तो बच्चे तंग करते हैं या एनवायरमेंट ऐसा हो जाता है हम पीसफुली काम नहीं कर पाते, उसके लिए हम अलग से आपको स्पेशल बेसमेंट में ऑफिस बना के दे रहे हैं, फुली फर्निश्ड विद एसी बना के दे रहे हैं सर आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वर्क फ्रॉम होम के लिए। और एक एक्स्ट्रा यूज, अगर आप चाहते हो कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहा यहाँ से, या आप ऑफिस वर्क करें तो आप उसको स्टोर या बच्चों की लाइब्रेरी स्टडी रूम भी बना सकते हो, सब चीजें अवेलेबल है वहां पे। अब मैं बात करता हूं सर एडिशनल में टेरिस एरिया, आपने सुना होगा कि सिग्नेचर टेरिस एरिया दे रहा, वो क्या चीज है, तो टेरिस एरिया की बात करूं तो सर मैं, अगर आप फोर्थ फ्लोर लोगे तो आपको टेरिस एरिया मिल रहा है, वो भी एक अच्छे साइज का, 819 स्क्वेयर फीट का आपको टेरिस एरिया मिल रहा है, वो भी 50% आपकी ग्रीनरी के साथ, उसमें आपके झूले होंगे, गजीबो होंगी, और आपका पूरा रूफ राइट रहेगा, आपकी इजाजत के बगैर वहां कोई भी नहीं आ सकता, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो कि मैं टीन वगैरह लगा के भाई इसको एक रूम के रूप में डेकोरेट करूं, कोई लाइब्रेरी बनाऊं या अपना छोटा फूड कोर्ट खोलूं, जैसे भी आप चाहो वैसे आप कर सकते हो, अरेंज टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप कर सकते हो टेरिस पे। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर के साथ आपको बेसमेंट एरिया दे रहे हैं और फोर्थ फ्लोर के साथ आपको टेरिस एरिया दे रहे हैं, तो मर्जी आपकी है सर, आप टेरिस एरिया लेना चाहोगे या बेसमेंट एरिया। बाकी मैं कुछ डिटेल्स हैं वो आप कॉल कर लीजिए मुझे, मैं आपको ब्रोशर प्राइस लिस्ट वगैरह हर चीजें अरेंज करवा देता हूँ, बाकी आप विजिट का प्लान बनाइए, क्योंकि विजिट का प्लान बनाओगे देखोगे परखोगे चीजों के तो और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, तो एक दिन भी वेस्ट ना करें, एक दिन भी डिले ना करें, क्योंकि हो सकता है प्राइस बढ़ जाए और आपकी मन पसंदीदा जो यूनिट है वो भी सोल्ड हो जाए एक दिन में, तो ध्यान रखें इस बात का। धन्यवाद आपका साथी।